देशमुळे अहमदनगर में 20 साल से वंध्यत्व उपचार तज्ञ के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो है पुरुष उत्तर बस्ती। पुरुष उत्तर बस्ती के जो रिजल्ट्स हैं वो एजोस्पर्मिया, ऑलिगोस्पर्मिया, एस्टोनोस्पर्मिया, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिकरेंट यूटीआई, ये जो भी केसेस है इसमें पुरुष उत्तर बस्ती का जो रोल है वो बहुत ही अहम है। जिस ढंग से ये प्रोसीजर किया जाता है उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ये जो प्रोसीजर है इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगती है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये 10 ml सीरीज है, डिस्पोजेबल सीरीज। ये जो है ये फीडिंग ट्यूब है, दिस इज फीडिंग ट्यूब नंबर 1 नंबर का ये फीडिंग ट्यूब है। ये क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये फीडिंग ट्यूब जो है इसका लेंथ है 40 cm और मेल यूरेथ्रा का एवरेज लेंथ जो है वो है 18-20 cm। सो वेरी कंफर्टेबली वी कैन इंट्रोड्यूस दिस फीडिंग ट्यूब थ्रू यूरेथ्रा इनटू ब्लैडर। ये प्रोसीजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, दिस इज अ ज़ाइलोकेन 2% जेल जो हम ग्लांस पेनिस पे लगाते हैं ताकि हमें लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाए, क्योंकि जब भी हम फीडिंग ट्यूब इंट्रोड्यूस करते हैं तो पेशेंट को पेन ना हो जाए। और दिस इज मेडिकेटेड ऑयल, ये जो होता है मेडिकेटेड ऑयल भी, मेडिकेटेड सीसम ऑयल भी इस्तेमाल होता है और मेडिकेटेड काऊ घी भी इस्तेमाल होता है। जो भी हमें केस है उसके मुताबिक हम उन द्रव्यों से गोमूत्र या तिल के तेल को सिद्ध करके इसमें इस्तेमाल में लाते हैं। तो अभी ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द एक्चुअल प्रोसीजर। अभी हम ये प्रोसीजर शुरू करने जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ ज़ाइलोकेन 2% ग्लांस पेनिस पे लगा रहा हूँ ताकि हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाए कि जब भी हम फीडिंग ट्यूब डालेंगे यूरेथ्रा में तो पेशेंट को पेन ना हो जाए। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग फीडिंग ट्यूब इन यूरेथ्रा। पेशेंट को बोलना है लंबी और गहरी सांस ले लो, टेक अ डीप ब्रीथ। आप लंबी सांस ले लो, देखिए इसका लेंथ है 40 cm और जैसे मैंने इनिशियली बोला कि मेल यूरेथ्रा का जो लेंथ है वो 18-20 cm। सो कंफर्टेबली अप टू 30-35 cm वी कैन इंट्रोड्यूस दिस फीडिंग ट्यूब कंफर्टेबली। अभी वन मोर थिंग, आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले पेशेंट को आपको पेशाब के लिए जाने के लिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जितना एम्प्टी हमें मिलता है उतना जो द्रव्य हम अंदर छोड़ते हैं उसका प्रत्यागम का कालावधि बढ़ जाता है। इसीलिए पेशेंट को पेशाब के लिए जाने के लिए बोलना मत भूलिए। अभी ये पेशेंट पूरी तरह से इसका ब्लैडर खाली है इसलिए यूरिन यहाँ से आ नहीं रहा है। कभी कभी कुछ पेशेंट थोड़ा हम लेट लेते हैं प्रोसीजर के लिए तो वहाँ अंदर पेशाब होता है, उस टाइम ये पेशाब इस फीडिंग ट्यूब से तुरंत निकल आता है। पूरा पेशाब जब बाहर निकल आता है उसके बाद ही हम ऑयल इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑयल या घी इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी ये जो पेशेंट है इस पेशेंट के लिए मैंने ऑयल सिलेक्ट किया है इसलिए अभी ये जो सीरिंज है इसमें आपको ऑयल दिखाई देगा। मैं मेरी प्रैक्टिस में 20 ml काऊ घी या 20 ml मेडिकेटेड सीसम ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। ये जो 20 ml का क्वांटिटी है ये अभी तक मेरा जो स्वानुभव है उसके मुताबिक अच्छा प्रत्यागम होता है। 20 ml दवाई पुश करने के बाद कम से कम पेशेंट इस बस्ती को 2 घंटे तक आराम से होल्ड करता है, इसका मतलब इस बस्ती का प्रत्यागम कालावधि कम से कम 2 घंटा है। कुछ पेशेंट 3 या 3.5 घंटे भी इसे ठीक से होल्ड कर सकते हैं। पेशेंट को आपको बोलते रहना है धीरे धीरे सांस लेते रहो, डीप ब्रीदिंग करते रहो। अभी ये प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल, जब भी हम फीडिंग ट्यूब निकालते हैं
तो हमें फीडिंग ट्यूब बिल्कुल आराम से निकालनी है। और एक बात ऑब्जर्व करनी है कि आपकी फीडिंग ट्यूब को कहीं भी ब्लड स्टेन नहीं हुआ है, ये आपको देखना है। ले लो गहरी सांस, ले लो, वेरी गुड, ले लो गहरी सांस, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। यू सी, दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लीन फीडिंग ट्यूब, कहाँ भी अंदर ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब हमने यूरेथ्रा को डैमेज नहीं किया है। थैंक यू।